खबर रामपुर से। जबरन हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर साजिश रचने का गंभीर आरोप। मौलाना तौकीर रजा का पुतला दहन किया गया और गुस्सा जाहिर किया गया कि जबरन हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर साजिश रचने का गंभीर आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज रामपुर में राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में मौलाना तौकीर रजा का पुतला दहन कर उन पर जूते चप्पलों की बरसात की गई। वहीं मीडिया से वार्ता कर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा, राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना द्वारा IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जो भटके हुए हिंदू युवा युवतियों को मुस्लिम बनाने की जो घिनौनी राजनीति की है वह अत्यंत घृणित कार्य है। अगर वो सच में गंगा जमुना तहजीब चाहते हैं तो उनको समझाते ना कि उनका धर्म परिवर्तन कराने की बात कहते हैं। मौलाना साहब को शोभा नहीं देता, इसलिए रामपुर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर मौलाना तौकीर रजा खान का पुतला दहन किया गया, ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि जो व्यक्ति हिंदुत्व के विरोध में खड़ा होगा उसको मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। इस उपलक्ष्य में गेदनलाल सैनी प्रदेश प्रभारी, बबलू प्रदेश मीडिया प्रभारी विपिन कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष विश्वास कुमार सिंह, जिला प्रभारी गुरमजीत सिंह हैप्पी, जिला महामंत्री धर्मेंद्र गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सोनू लोधी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम बिहारी सिंह, कोषाध्यक्ष राजीव जैन, जिला मंत्री बाबा रामदास, जिला संरक्षक गौर रक्षा प्रकोष्ठ वीरेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष विकास गुप्ता, नगर महामंत्री आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आपने मौलाना तौकीर रजा का पुतला फूंका है, क्या मैसेज दिया है आपने? मौलाना साहब को एक जो है बहुत बड़े हिटलर शाही अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हिंदू को मुसलमान बना रहा है, देश का हीरो बनना चाह रहा है। अरे भाई, आपको इतनी मुसलमानों से हमदर्दी है, करोड़ों मुसलमान सड़कों पर पड़ा हुआ भीख मांग रहा है, अरे जाकर के उनको रोजगार दो। आज पाकिस्तान के अंदर बच्चों को नीलाम किया जा रहा है, राशन के लिए परेशान है, चाइना के अंदर जाकर मुसलमानों की हालत देखो क्या है। अरे क्यों भैया, जो भारत की जो सच्चे मुसलमान हैं उनकी छवि खराब कर रहे हो। अगर आपको राजनीति करनी है तो पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हैं, वहाँ जाओ, वहाँ राजनीति करो। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत में बड़े प्यार से रहते हैं, उनको क्यों आपस में लड़ने की साजिश कर रहे हो? तेईस हिंदू युवक युवतियों के साथ मुसलमान बनाकर शादी कराएंगे? अरे आप हैं कौन? आप शादी कराने वाले हैं कौन? किसने अधिकार आपको दिया? मौलाना तौकीर रजा साहब, होश में आइए, वरना देश निकाला करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपकी ये हरकतें नहीं, आप पे एक देशद्रोह का मुकदमा डाला जाएगा। आप देशद्रोही हैं, आप देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये छिछोड़ी हरकतें छोड़िए और एक अमन शांति से रहने का प्रयास कीजिए। आज आपने पुतला फूंका, आज इसी विरोध में इनका पुतला दहन किया गया, जूते और चप्पलों और डंडों से इनकी पिटाई की गई, और ये नहीं सुधरे तो इनसे इनका ज्यादा बुरा हश्र किया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए रामपुर यूपी से आसिम अजीज की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।